रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का तीसरा दिन आज क्रेन की मदद से राम मंदिर परिसर पहुंची रामलला की मूर्ति, आज गर्भगृह में की जाएगी स्थापना। एबीपी न्यूज पर राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर, इसी जगह पर विराजेंगे रामलला, गर्भगृह में नजर आ रही सुंदर नक्काशी। महाराष्ट्र के अमरावती से अयोध्या नगरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 किलो कुमकुम रवाना हुआ, राज तिलक के लिए ले जाया जाएगा कुमकुम। अयोध्या में हर तरफ नजर आ रहे राम भक्ति के रंग, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले लेजर शो का आयोजन, सूर्यकुंड में हुआ है कार्यक्रम। 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में बढ़ाई गई सुरक्षा, एटीएस कमांडोज की तैनाती, चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से अयोध्या की सड़कों पर पहले चारों तरफ लगे पीएम मोदी के पोस्टर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, 22 जनवरी का कार्यक्रम राजनीतिक समारोह है, बीजेपी और संघ की राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है। विपक्ष के आरोपों पर बीएचपी की सफाई, आलोक कुमार ने कहा है हिंदू धर्म शास्त्र में ऐसा कोई नियम नहीं जिसमें भगवान को मंदिर पूरा होने के बाद स्थान दिया जाए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार जाएंगे अयोध्या, रामलला के करेंगे दर्शन। आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही है मीटिंग, संसद के आगामी सत्र और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मंथन। कोच्ची में पीएम मोदी ने बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारियों के सम्मेलन को किया संबोधित, कहा 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार थी, आज दुनिया विश्वमित्र के रूप में भारत को देख रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पांचवा दिन है आज, कल नागालैंड में राहुल गांधी ने गांधी आश्रम का दौरा किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंच गई है, नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज बिहार दौरा, आरजेडी के वोट बैंक में सेन मारी की कोशिश, बीजेपी की यादव समाज को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से 3 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे, केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद राघव चड्ढा मौजूद रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने केजरीवाल के पेश होने पर सस्पेंस है, ईडी ने पूछताछ के लिए चौथा समन जारी किया। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव बोले, हमने आधा रास्ता तय कर लिया। आज चंडीगढ़ में नगर निगम के होंगे चुनाव, थोड़ी देर में शुरू होंगे मतदान, सीनियर डेप्यूटी मेयर, डेप्यूटी मेयर के लिए वोटिंग, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे तनाव के बीच बीजेपी सांसद हंसराज हंस का बड़ा बयान, कहा गठबंधन की एकता उजागर हो रही है, पंजाब में चल रही अहंकार की लड़ाई। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी में नौसेना जुटी, कर्तव्य पथ पर नौसेना की झांकी में नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिखी झलक। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल, ठंड के बीच पूरी तैयारी के साथ परेड। बीएमसी कोविड सेंटर के खिचड़ी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया। संसद सुरक्षा में सेंट के मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत का मामला, पटियाला हाउस कोर्ट नीलम आजाद की जमानत अर्जी पर आज फैसला सुनाएगा।